हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर वन है। 85 मीटर लॉन्ग रॉड है, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका जो वन पार्ट है वो अदर पार्ट का 2/3 है। तो हम लॉन्गर पार्ट को एक्स सपोज करेंगे और शॉर्टेस्ट पार्ट जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा ही लिखेंगे। तो 2/3 × x ये शॉर्टेस्ट पार्ट है। तो लॉन्गर पार्ट और शॉर्टेस्ट पार्ट मिला के कितना होगा? 85 मीटर। x प्लस 2x/3 = 85। अब इनका एलसीएम है 3, नीचे 3 लिखेंगे और x को 3 मिला मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 2x आएगा। अभी 3x + 2x कितना होता है? 5x, और 3 85 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 × 3। 5 से 85 को डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 17, और जो बचा है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 17 × 3 कितना होता है? 51, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2/3 of 3/4, 2/3 of यानी मल्टीप्लाई 3/4 यानी 3/4, 3 को 3 से कैंसिल करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ 3 times a number, अ नंबर को हम कंसीडर करेंगे x, हम इसे सपोज करेंगे, तो उसको पूरी तरह से पहले हम लिख लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। 3x 3 times यानी 3x − 3/5 × x = 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 होता है 15x − 3x, एलसीएम आया है 5 यानी अपॉन 5 = 60। अभी 15x में से 3x माइनस करेंगे तो आंसर है 12x, और 60 के पास 5 को लाएंगे तो 60 × 5। x की वैल्यू मालूम करने के लिए x को हमें वही रहने देना है और 12 को इक्वल के ये साइड लाना है तो वो अपौन में चला जाएगा। तो 60 × 5/12, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60, x की वैल्यू आई है 25। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 and 4/9। 2/5 का आंसर है 0.40 और 4/9 को डेसिमल में करेंगे तो 0.44। इनके बीच का जो फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हमें 4 ऑप्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आया है 3/7 = 0.42, और ये 0.42, ये 0.40 और 0.44 का बीच का फ्रैक्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा।